क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो इसे करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी चेक करते हैं क्या है वो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास, जिसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, करते हैं इसे। तो कैसे करेंगे, तो आप अगर एक बात नोट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन की, जो ये है, ये जो ये क्वेश्चन है, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना, दिस आइडेंटिटी। ये जो इस फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड के सिमिलर ये वाली साइड है। कैसे देखते हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है, अब इसको फर्दर देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस के निशान है, वो माइनस के निशान कहाँ से आएंगे उन्हें भी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्लस 2xy, 2ab, ठीक है जी, 2ab है हमारे पास। अब a क्या है हमारे पास, तो दैट इज 2x एंड b इज व्हाट, तो दैट इज 3y। तो हम क्या करेंगे, 2ab, तो 2 इंटू a इज व्हाट, तो दैट इज 2x इंटू b इज व्हाट, दैट इज 3y, 2ab। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस 24yz है, ठीक है जी, प्लस yz नहीं है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है क्या, कि ये दोनों x और y दोनों ही आपस में नेगेटिव आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाए, बन सकती है। ठीक है, अगर x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, देन हमारे पास ये जो a, जो हमारे पास जो a आएगा, दैट ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, ये हो सकता है y की वजह से हो या हो सकता है z की वजह से हो, या तो z नेगेटिव होगा या तो y नेगेटिव होगा, ये केस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो x नेगेटिव हो या z नेगेटिव हो। ठीक है, अगर 12xy में अगर x और y दोनों नेगेटिव है, x और y अगर दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 12xy तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी माइनस ये बन जाएगा यहाँ भी, तो हमारे पास क्या हो सकता है, या तो दोनों ही नेगेटिव है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे z नेगेटिव हो जाए। ठीक है, मतलब 4z जो हो वो 4z ना होकर, 4z ना होकर माइनस 4z हो। ठीक है, तो आप किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी आपके आंसर जो होंगे वो होंगे सेम। ठीक है जी, तो करते हैं जी आगे से फर्दर। तो 2xy मैं ले रहा हूँ z को नेगेटिव। ठीक है, z को जब मैंने नेगेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2xy पॉजिटिव माइनस, सॉरी दैट इज प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, 2ab हो गया प्लस 2bc, सो 2 इंटू बी इज व्हाट, तो 3y इंटू c इज व्हाट, तो c इज माइनस 4z। ठीक है जी, अच्छा प्लस 2ca, तो दैट इज 2 इंटू c इज व्हाट, माइनस 4z इंटू a इज व्हाट, तो दैट इज 2x। हमने बेसिकली क्या किया, ये जो हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, उसे हमने a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ दिया। अब इसे तोड़ने के बाद क्या होगा, तो इसे तोड़ने के बाद होगा ये कि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, अच्छा प्लस माइनस 4z। अच्छा ये प्लस माइनस, तो ये इसे माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये 4z का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, अच्छा माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज 2x² + y² + z² -2√2xy + 4√2yz - 8xy। आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये लास्ट में जो हमने लिखा है दैट इज -8, ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है, इसे नोट कर लीजिए, -8yz ये हमने लिखा है, ठीक है। तो अगेन किस आइडेंटिटी का यूज होगा, a + b + c का होल स्क्वायर का यूज होगा। तो करते हैं जी, उसी को यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 2x², तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2x² का x का जो स्क्वायर होगा दैट इज x² है ना, प्लस y, ठीक है जी। अच्छा 8 का कैसे करेंगे, तो 8 का करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फैक्टराइज करेंगे इसे, ठीक है। तो 8 दैट इज 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अच्छा अंदर क्या रहेगा, एक तो पेयर, एक तो रूट के बाहर आ जाएगा और एक रह जाएगा अंदर, तो हमारे पास पेयर क्या बन जाएगा, जो सी बन जाएगा, सी क्या बन जाएगा, तो 2√2 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट, तो इसे नोट कर लीजिए, ये जो रफ वर्क हमने किया, ठीक है, ये आपको पता लग ही जाएगा वैसे, ठीक है। यहां से आगे क्या करेंगे, अगेन हमें चेक करना है, यहां पे देख सकते हैं हम 2√2x and y, ठीक है जी, 2√2x and y। अब यहां पे क्या हो सकता है, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, यहां पे हमारे पास x और y है, तो x और y नेगेटिव शो कर रहा है। अच्छा यहां पे x एंड z नेगेटिव शो कर रहा है, तो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है ये कि x जो है दैट इज नेगेटिव। x अगर आपके पास नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा दोनों जो हमने दोनों नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी ली थी उसे लेना जरूरी नहीं है, आप सिंगल जो नंबर, सिंगल ये चेक कीजिए कि कौन सा जो वेरिएबल है इन दोनों में प्रेजेंट है, अगर जो वेरिएबल जो दोनों में प्रेजेंट होगा वही नेगेटिव वेरिएबल होगा, वही नेगेटिव टर्म हमें देगा, ठीक है जी। तो आगे करते हैं, तो ए कितना आएगा, 2ab, सो 2 into a इज व॑, तो दैट इज -√2x into b इज व॑ट, दैट इज वाई, ठीक है जी, प्लस 2bc, व्हाट इज 2, तो 2 है, अच्छा b कितना है हमारे पास, तो दैट इज y, इंटू सी क्या है हमारे पास, तो दैट इज 2√2 प्लस 2 into c, c इज वॉट, तो 2√2 इंटू a, a इज वॉट, a इज -√2। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, तो चेक कर लेते हैं इसे। अच्छा हमारे पास क्या है, 2, ये आपको समझ आ गया, y का स्क्वायर ये भी समझ आ गया, अच्छा 8 भी आपको बता दिया गया, अच्छा 2ab, ठीक है जी, तो 2ab जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2√2xy, तो ये 2√2xy वही आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो 2 2 4, एक चीज मिसिंग होगी यहाँ से, z मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे z भी आएगा, अच्छा ABBC, तो दैट इज यहाँ पे भी z आएगा, ठीक है जी, और यहाँ से CA, तो यहाँ से भी z आएगा, और एक है √2x, तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके मिसिंग रहनी चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, तो 2AB, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 2 4, अच्छा ये 4 तो आ गया, अच्छा √2 भी आ गया हमारे पास, एंड वाई एंड सेट, तो ये सारी टर्म्स, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, तो पॉजिटिव ही आएगा वो भी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद 2 2 4, अच्छा ये 2 और ये 2, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ही बन जाएगा, वो भी √2 into √2, दैट इज इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, ठीक है, अच्छा वो भी 2, अच्छा 2 into 2 into 2, दैट इज इक्वल टू 8, बट 8 अगर आपने एक चीज नोट की होगी तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, वो माइनस निकल के क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन यहाँ बना जाएगा, एंड एक्स वाई तो एक्स जेड तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बन किसका स्क्वायर जाएगा ये, तो ये जैसे हमने देख लिया कि ये सारे यहीं से हमने इसको फैक्टराइज करके बेसिकली सॉल्व किया। अच्छा आगे जब हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये √2x, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, इसका क्या बन जाएगा जी, होल स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है कि हम स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, तो -√2x + y
प्लस टू अंडर रूट टू जेड इंटू माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू इंटू जेड, ठीक है, टू अंडर रूट टू जेड, ठीक है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन एंड तो चेक कीजिए इसे एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।